ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਰਹੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੀ ਸਾਇਟੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੂਏ ਨੇਤਾ ਗਿਰਦਾਰ ਲਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਮੋਰਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਦੀ ਇੱਕ ਦਰਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਬੋ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚੌਦਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਖੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ ਘਟੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀਏ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉੱਠੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਸਦੀ ਕਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਖਾਲੀ ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਖਾਲੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸੁਣੀ ਚਲੇ ਗਏ ਘਰੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਇਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਮੀਆਂ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਵਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਵਧੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਗੇ ਆ ਜਾਣ ਆਪੋ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਖੜੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਖੜੋ ਆਪੋ अरुण जी आज की मीटिंग जो है वो कांग्रेस पार्टी की मंथली मीटिंग है और ये सुभाष गुप्ता जी की अध्यक्षता में हर महीने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जाती है जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं को जो मुश्किलात आ रही हैं ग्राउंड लेवल पे उनको डिस्कस किया जाता है और आगे की रणनीति जो है वो डिस्कस की जाती है कि किस तरीके से पार्टी को रीऑर्गेनाइज करना है और किस तरीके से पार्टी को आगे लेके चलना है तो आज की मीटिंग का जो एजेंडा है वो हमेशा यही रहता है कि अपने जो कार्यकर्ता हैं अपने जो वर्कर्स हैं उनकी मुश्किलातों को सुना जाए और उनके लिए वर्कआउट किया जाए कार्यकर्ताओं ने पिछले नववर्ष मिलन पर ये आग्रह भी किया था कि गुटबाजी खत्म हो और सभी नेता एक मंच पर आए लेकिन आज फिर एक बैठक अलग से है और एक कल बैठक पूर्व विधायक गिरधारी लाल जी की है तो क्या फिर वही पुराना हाल है कांग्रेस का देखिए अरुण जी ये बड़ी लीडरशिप की बातें हैं लेकिन हम लोगों की हमेशा ये कोशिश रही है गुप्ता साहब की तरफ से भी हमारी ये कोशिश रहती है कि पार्टी को दोबारा रीऑर्गेनाइज किया जाए क्योंकि ये लोग अगर अभी भी कोई सीख नहीं ले रहे हैं तो मुझे लगता है फ्यूचर जो है फ्यूचर में हमें इसका नुकसान होगा हमारी कोशिश पिछली मीटिंग में भी यही रही और जितने भी यहाँ कार्यकर्ता पहुँचे हुए थे पार्टी के सबकी यही डिमांड रही थी कि एकजुट होकर पार्टी को एक साथ लेके चला जाए और दोनों लीडर्स को यूनाइटली आगे बढ़ना चाहिए वो दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा और पार्टी के लिए भी फ़ायदेमंद होगा तो मेरी तो यही एडवाइस रहेगी दोनों सीनियर लीडर्स को कि हमें मिलकर साथ चलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए मंथली मीटिंग होती है हीरानगर में 4 तारीख को मंथली मीटिंग पिछली दफ़ा भी हुई थी इस दफ़ा भी हुई थी और काफ़ी जो साथी हमारे आते हैं अपने अपने एरिया की जो उनकी डिमांड होती है वो रखते हैं तो एक तो मेन मुद्दा था जो कि हमारे फार्मर्स पिछले मोर देन 72 डेज से दिल्ली बॉर्डर पर धरने में बैठे हैं उनकी सपोर्ट में आज मीटिंग हुई और हमने सभी ने तय किया कि सरकार को उनसे डिमांड की जाए कि वो जल्दी से जल्दी जो किसानों की जो जायज़ मांगे हैं जो काला कानून उन्होंने बनाया है जो किसानों के हित में नहीं है उसको वापस लिया जाए एक तो हमने ये डिमांड करते हैं यहाँ से अगर सरकार ने नहीं किया तो यहाँ अभी उस प्रकार का माहौल बन रहा है वो सभी लोग हम प्रोटेस्ट करेंगे धरने में बैठेंगे जो भी होगा सरकार को मजबूर करेंगे कि किसानों की जो मांगे हैं पूरी तौर पर मानी जाए ताकि किसान जो है पिछले मोर देन 72 दिनों से वो वहाँ धरने में बैठे हुए हैं और सरकार कोई उनकी सुनाई नहीं कर रही है ये डेमोक्रेसी है जमहूरियत है ये लोगों ने सरकार को चुना है सरकार जो लोगों की होती है लोगों के लिए होती है लेकिन ये सरकार किस प्रकार काम कर रही है ये समझ से बाहर है सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए हमारे जो सीनियर नेता है जो हमारे साबका चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं
लीडर ऑफ दी अपोजिशन है राज्यसभा में, उन्होंने भी कल बड़े जोरदार डिमांड की है सरकार से कि सरकार जो है वो फौरी तौर पर फार्मर्स की जो डिमांडें हैं उनको माने। किसानों को रोकने के लिए जिस तरह से कंक्रीट की दीवारें और लोहे की रॉड और की लगाए जा रहे हैं, क्या समझते हैं किसान? बड़े अफसोस की बात है कि किसान जो हमारे अंदर है, जो देश का 130 करोड़ जो लोगों का पेट भरते हैं, सिर्फ हमारे देश के लोगों का नहीं बल्कि बाहर के देशों को भी हम अनाज सप्लाई करते हैं, तो उस अन्नदाता को आज इस तरह किले में बंद किया जा रहा है, जैसे दुश्मन के साथ भी हम ऐसा व्यवहार नहीं करते। पाकिस्तान के साथ हमने बहुत सी तारें भी लगाई है, लेकिन इस प्रकार की तारें, इस प्रकार की दीवारें, इस प्रकार के कांटेदार किल नहीं हमने देखे बॉर्डर पर, ना पाकिस्तान के ना चाइना के। जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे अपने हैं, उनके लिए हमने इतना बड़ा करेंगे, ये बड़ा अच्छी सोच नहीं है सरकार की, ये बिल्कुल ही। इससे तो उनके दिल में, जो हमारे किसान लोग भाई हैं, उनके दिल में सरकार के प्रति नफरत पैदा हो रही है, गुस्सा है उनके दिल में, ये क्या कर रहे हैं हमारे, बजाय इसके वो उनकी मांगे मानने के बजाय वो इस ढंग से उनको उनसे ट्रीट कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। क्या देखते हैं, 6 तारीख को किसान आंदोलन ने एक चक्का जाम की अपील की है, तो क्या कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है? अगर इनकी जो मांगे 6 तारीख की नहीं मानी गई तो कुदरती बात है कि हर जगह यही ऐसा माहौल बनेगा, कांग्रेस भी इसके उनकी सपोर्ट में है और उनका जो मांगे हैं मनवाने के लिए कांग्रेस भी हर ढंग से उनकी सपोर्ट।